तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं ग्रिड व्यू। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को विजार्ड के थ्रू बताया था कि विजार्ड के थ्रू कैसे डेटा को अपलोड करते हो। आज मैं आपको बताता हूँ कि ग्रिड व्यू को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और हम उसके अंदर में डेटा को लोड कैसे करेंगे विदाउट विजार्ड, यानी कोडिंग के थ्रू हम कैसे लोड करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से कर सकते हो। और थोड़ा सा स्टेप को समझना पड़ेगा आपको, रिक्वायरमेंट को देख के काम करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो मैंने शायद लास्ट क्लास में बनाया था। किस नाम से था याद है आप लोगों? एस्को सर्वर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, पेरोल का ही लेके चलते हैं। पेरोल के नाम से था हमारा, ऑलरेडी पेरोल के नाम से बना हुआ है। तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आप बनाओगे। मेरे पास में एक एप्लीकेशन है, कुछ भी ले लें, ये वाला है 27 लास्ट क्लास के प्रोजेक्ट पे ही मैं काम करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था विजार्ड के थ्रू ग्रिड व्यू को, ग्रिड व्यू के अंदर में कैसा डेटा लोड कराते हैं। मतलब उसमें हमने कोई कनेक्शन नहीं करी थी, कोई डेटा सोर्स नहीं यूज़ किया था। हम लोगों ने नॉर्मली एक विदाउट लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने पूरा का पूरा बनाया था, जो डेटाबेस का नाम पेरोल पेरोल के नाम से ही है। ठीक है, थोड़े आधे घंटे बाद से तो ये हमने किया था। अब इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, एक एम्प्लॉय टेबल को ही हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम विदाउट कोडिंग के थ्रू ये कैसे करेंगे, कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे। तो एक नया पेज मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। और इस आइटम पे मैं यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। वेब फॉर्म का नाम एक मैं ले लेता हूँ, जो भी नाम मुझे रखना है। जैसे मैं ग्रिड व्यू अंडरस्कोर क्रड कर देता हूँ। क्रड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कराना है मुझे। एक नॉर्मल सा मेरे पास पेज आया, ठीक है। पेज को मैं एज इट इज़ डिज़ाइन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक टेबल लेके इस पेज को डिज़ाइन भी कर देता हूँ। ये एक मैंने टेबल ले लिया है, टेबल को मैंने अपने अकॉर्डिंगली अलाइन ऑन जस्टिफाई कर दी। और इस कॉलम में मुझे ग्रिड व्यू चाहिए, तो इस नीचे वाले कॉलम को मैंने मॉडिफाई में जाके मैंने मर्ज कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक ग्रिड व्यू प्लेस कर ली। तो ग्रिड व्यू को आपको कहाँ से लेना है, डेटा टैब में जाओगे और ये ग्रिड व्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये आ गया। अब ग्रिड व्यू के अंदर में आपको क्या करना है, जो पहले हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, कि हम एक नया डेटा सोर्स हमने जनरेट किया था चूज डाटा सोर्स में जाकर, वहाँ से हम लोगों ने खुद सारे कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ और टेबल के नाम को ले लिया था, जो कि आज मैं भी मैन्युअली करूँगा। तो मैन्युअली करने के लिए मुझे कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने डेटाबेस साथ कनेक्शन कनेक्टिविटी इसमें इस्टेब्लिश की हुई है, वेब कन्फिग फाइल में आप जाके चेक करो। तो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को देखो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये मैंने नहीं क्रिएट किया था, ये सिस्टम ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये एक फेसबुक के नाम से डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, ये भी फेसबुक के नाम से किया हुआ है। और ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजार्ड के थ्रू किया था ना, तो उसने ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। देखो ये सिस्टम ने बनाई है, हम चाहें तो इस नेम को ले सकते हैं और इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस नेम को कनेक्ट कराऊं, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था विजार्ड को, उसी को कनेक्ट कराता हूँ। तो मैं इसी नेम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, जिसका डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है। किसके थ्रू है? पेरोल डीबी का। पेरोल डीबी का मैं डेटाबेस को कनेक्ट कराता हूँ यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इस पेज पर डबल क्लिक करो, पेज का आपका कोड और पार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दो नेम स्पेसेस कॉल करने पड़ेंगे, पहला यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, एक एसक्यूएल क्लाइंट आप ले लोगे, और दूसरा ले लोगे आप सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्लास से आपको कॉल कनेक्शन को कॉल करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था विजार्ड के थ्रू किया था, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करा था, सब कुछ विजार्ड के थ्रू हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं इनिशियली कनेक्शन से लेके सारी चीज़ें मैं कोडिंग के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट ले लिया और एसक्यूएल क्लाइंट ले लिया,
और एक और ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा सिस्टम डॉट डेटा। डेटा इसलिए क्योंकि आपको डेटा सेट भी यूज़ करना है, ठीक है। नाउ इस क्लास के अंदर आ जाऊँ और यहाँ पे पब्लिकली कनेक्शन को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर में आपको क्या पास करना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से कॉपी किया था वेब कन्फिग से, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया जो कि सिस्टम ने क्रिएट किया था, ठीक है। और उसके बाद डॉट क्या करेंगे, हम कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिया है, ये जो हमने पैरामीटर पास किया है वो हमने कौन के अंदर पास किया है, और कौन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउ अब मुझे क्या करना है, ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को लोड कराना है। तो लोड कराने के लिए मैं ना यहाँ पे इसी क्लास के अंदर, ये क्लास के अंदर ही हूँ मैं, देखो पेज लोड के नीचे आता हूँ, क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, एक प्राइवेट टाइप का, एक वॉइड प्राइवेट टाइप का एक हम मेथड बनाते हैं लोड डेटा के नाम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ग्रिड व्यू के अंदर डेटा लोड हो जाए। तो लोड डेटा के नाम से मैंने एक मेथड यहाँ पे बनाया है जिसका जो रिटर्न टाइप नल है, इसीलिए वॉइड किया है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक कोड लिखूँगा जिसके थ्रू मेरा ग्रिड व्यू के अंदर डेटा लोड हो, और इसको मैं कॉल करूँगा पेज के लोड पे। जैसे मेरा पेज लोड होगा, मैं चाहता हूँ मेरा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में वो वहाँ पे लोड हो जाए, राइट। सो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन करना है, क्लोज़ करना है, वो तो चलो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो मुझे डेटा को लोड कराना है, उसके लिए मुझे क्वेरी चाहिए। तो मैंने एक क्वेरी के लिए एक str ऑब्जेक्ट ले लिया, और str ऑब्जेक्ट के अंदर में मैंने सेलेक्ट की क्वेरी लगा दी। सेलेक्ट की क्वेरी क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय या TBL एम्प्लॉय, चेक कर लेते हैं। जो हम लोगों ने पेरोल के नाम से डेटाबेस बनाया था, पेरोल DB है, टेबल है, इसमें है एम्प्लॉय मास्टर, ठीक है। एम्प्लॉय मास्टर के नाम से टेबल है जिसमें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी तीन कॉलम है। तो क्या है टेबल का नाम है, EMP अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, EMP अंडरस्कोर मास्टर, ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो चलेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, एक क्वेरी हो गई। अब क्वेरी को रन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, कमांड चाहिए। जब हम कमांड लेते थे तो कमांड के साथ में हम लोग कनेक्शन को भी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे मैं आज कमांड के थ्रू मैं लेकिन लोड नहीं करा सकता, फिल नहीं करा सकता। मुझे एक्चुअली क्या है, एक डेटा सेट भी लेना है जिसके अंदर मैं वैल्यू फिल करूँगा, और उस डेटा सेट को मैं वापस किस में लोड करा दूँगा, ग्रिड व्यू के अंदर, तभी मेरी सारी वैल्यूज़ वहाँ पे आएगी, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक अडैप्टर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ SQL डेटा अडैप्टर, ठीक है। अडैप्टर का काम क्या है, मैंने पहले भी बताया है, फिल और अपडेट का। फिल कराना है ना मुझे, क्या किसको फिल कराना है, ग्रिड व्यू को फिल कराना है, ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को फिल कराना है और अपडेट करना है। जो भी मैं ग्रिड व्यू में चेंजेस करूँगा मैं को डेटाबेस में अपडेट कराना है। तो फिल और अपडेट का काम कौन करेगा, अडैप्टर करेगा, इसीलिए मैंने अडैप्टर लिया, कमांड नहीं लिया है, ठीक है। कमांड का काम क्या था, एग्जीक्यूट कराना, जो स्टेटमेंट हम डाल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कराना। मेरे को एग्जीक्यूट नहीं कराना है यहाँ पे, मुझको फिल और अपडेट कराना है, इसीलिए मेरे को अडैप्टर लेना। और अडैप्टर का काम, अडैप्टर जब आप लेते हो तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा नाम ले लेता हूँ इसका, यूज़र डिफाइंड टाइम ADP ले लिया, इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडैप्टर, ठीक है। और उस अडैप्टर के अंदर आपने क्या पास कर दिया, STR, और साथ में आपने कनेक्शन को पास कर दिया जहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है। क्योंकि जब अडैप्टर आप लेते हो तो अडैप्टर के अंदर में भी आपको क्वेरी और कनेक्शन पास करना होता है। अडैप्टर जो है इसको बताना पड़ेगा ना, ये तो अडैप्टर है, जैसे मोबाइल अडैप्टर है या फिर लैपटॉप अडैप्टर है, आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ से लेके कहाँ तक कनेक्ट कराना है, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन में आपको फिल करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन कौन बता रहा है, STR बता रहा है किसको फिल करना है, और कौन बता रहा है कहाँ से फिल करना है, क्योंकि कौन के अंदर में डेटाबेस का नाम है, सर्वर का नाम है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, इसके अंदर जाने की सिक्योरिटी है, गॉट इट। तो ये हो गया आपका अडैप्टर। अडैप्टर के बाद अब मुझे क्या करना है, जो फिल कराने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे अब एक नया ऑब्जेक्ट आपके सामने लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेटा सेट।
देखो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रिकॉर्ड सेट, एक होता है डेटा सेट। रिकॉर्ड सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ रो हो गया। कलेक्शन ऑफ रो को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा? टेबल, टेबल ही तो बनेगा ना, एक टेबल ही बनेगा। और लेकिन कनेक्शन, कलेक्शन ऑफ टेबल आप लेते हो तो क्या बनेगा? डेटा सेट। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आपको सपोज एक टेबल पे सिर्फ काम करना है, सिर्फ एक टेबल पे काम करना है, तो आप डेटा सेट यूज़ कर सकते हो, सॉरी रिकॉर्ड सेट यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ एक टेबल का काम होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा टेबल हैं और आपको हर बार एक नया टेबल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप डेटा सेट यूज़ कर सकते हो। डेटा सेट मल्टीपल टेबल को लोड कराएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही टेबल पे काम करेगा। एक बार में एक ही टेबल को तो लोड करोगे ना। अगर सपोज कर लो मेरे प्रोजेक्ट में चार टेबल है, तो मुझे अगर मैं रिकॉर्ड, मेरे पास डेटा सेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मुझे रिकॉर्ड सेट लेना होता, जैसे मैं लेता हूँ वी वी 6.0 में। अगर आप वी वी 6.0 में काम करते हो, विजुअल बेसिक पे काम करते हो, तो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड सेट होता है, डेटा सेट नहीं होता है। तो रिकॉर्ड सेट में क्या होता है, आपको चार टेबल है तो चार रिकॉर्ड सेट लेने पड़ेंगे, चारों के अलग अलग नाम लेने पड़ेंगे, चारों मेमोरी में ऑक्यूपाई होगा, लेकिन एक यूज़ तो एक बार में एक ही होगा। जब आपका कर्सर का पॉइंटर जो आपका ब्लिंक करता है, जिस पे आप एक्शन फायर करोगे, वही तो यूज़ होगा ना करेंटली में। उसके बाद फिर आपने दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरा यूज़ हुआ, यानी कि हर बार तीन तो वेस्ट जा रहे हैं तुम्हारे। ये होता है रिकॉर्ड सेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन डेटा सेट में कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक डेटा सेट एक ही नाम से तुमने लिया, उसमें यू कैन लोड मल्टीपल टेबल, वन एक बार में एक ही लोड होगा। तो मतलब जो सर्वर पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट होल्ड हो रहा है, वो एक ही हो रहा है, डेटा सेट डीएस के नाम से या कुछ भी नाम तुमने लिया। लेकिन अगर रिकॉर्ड सेट लेते हैं तो क्या होता, तुम्हें चार के लिए चार अलग अलग रिकॉर्ड सेट लेने होते और मेमोरी वेस्टेज होती तुम्हारी। तो यहाँ पे हम डेटा सेट यूज़ करने जा रहे हैं, ये एक डिफरेंस होता है डेटा सेट और रिकॉर्ड सेट के अंदर में। डेटा सेट डीएस इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, और एडीपी डॉट फिल डीएस, डीएस को तुमने फिल कर लिया, यानी डेटा सेट को तुमने फिल कर लिया, यानी कि तुम्हारा जो डेटा था वो कहाँ चला गया, डेटा सेट के अंदर चला गया। एक मतलब वो डेटा सेट है, मल्टीपल टेबल लोड कर सकते हो, और इसी डेटा सेट के अंदर तुमने क्या लोड करा दिया, अपना ये वाला टेबल लोड करा दिया जिसकी जिसका नाम है ईएमपी मास्टर। वैसे करके इस डेटा सेट में तुम मल्टीपल टेबल लोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो तुम्हारा यहाँ तक हो गया, यानी तुम्हारी जो वैल्यूज़ थी वो कहाँ आ गई, डीएस के अंदर आ गई। डीएस तुम्हारा ऑब्जेक्ट किसका है, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है। अब तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा डेटा सेट है ना, वो किसका 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 सोर्स हो जाए, ग्रिड व्यू का सोर्स आ जाए हो जाए। तो तुम यहाँ पे लिखोगे ग्रिड व्यू वन, जिसका नाम है डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इज इक्वल टू डीएस, ठीक है। यानी कि जो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है, ग्रिड व्यू का डेटा सोर्स कहीं से डेटा आएगा ना ग्रिड व्यू के अंदर, बिकॉज ग्रिड व्यू क्या है, एक रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से एक डेटा बाउंड कंट्रोल है। तो डेटा बाउंड कंट्रोल है मतलब कहीं टेबल्स की टेबल ही तो आएगा इसके अंदर लोड होगा। तो उसका जो डेटा सोर्स है, यानी इसकी प्रॉपर्टी, यानी डेटा सोर्स, डेटा ग्रिड व्यू की जो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी है, जहाँ से वो आएगा, वो मैंने डीएस डाल दिया। और डीएस के अंदर मैंने पहले क्या लोड करा दिया, एम्प्लॉय की सारी टेबल की वैल्यू। तो क्या होगा, जो टेबल की वैल्यू वो किसके अंदर लोड हो जाएगी, ग्रिड व्यू के अंदर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँ, ग्रिड व्यू को प्रॉपर बाइंड करा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड, उसको बाइंड करा देंगे। ये कोड है मेरा, इस कोड से क्या होगा, आपका डेटा जो है, डेटा ग्रिड व्यू जो है, वो आपके इस डेटा सोर्स से बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब इस सोर्स को मैं कहाँ लिखूँगा, इसको मैं पेज के लोड पे लिख दूँगा। तो पेज के लोड पे लिखने के लिए मुझे चेक करना होगा कि अगर पेज पहली बार ही लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, तभी ये हो। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी, पेज की प्रॉपर्टी कॉल करनी होगी, इफ़ पेज डॉट, मैंने शायद आप लोगों को बताया है इसके बारे में, पेज डॉट इज पोस्ट बैक, पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि पेज अगर पहली बार लोड हो रहा है, पेज अगर पहली बार लोड हो रहा है, तभी ये लोड डेटा को कॉल करे, लोड डेटा। यानी कि अगर दूसरी बार लोड होगा, मतलब ऑलरेडी लोडेड है, तब तो फिर कोई ज़रूरत है नहीं। यानी अगर उसमें कोई चेंजेस है और फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, तभी तो आप उसको लोड कराओगे ना, अननेसेसरी क्यों लोड कराओगे। तो मैंने यहाँ लिखा कि पहली बार अगर लोड हो रहा है, मतलब क्या होगा, पेज की प्रॉपर्टी, पेज जब हम पेज को कॉल करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर क्या करता है, पोस्ट बैक करता है।
पोस्ट बैक, पोस्ट करेगा ना, तुमने रिक्वेस्ट किया, सर्वर क्या करेगा, पोस्ट बैक करेगा। तो पेज की प्रॉपर्टी होती है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स का मतलब पहली बार लोड हो रहा है और ट्रू का मतलब ऑलरेडी लोडेड है। अगर तुमने किसी चीज़ को ऑलरेडी खोला हुआ है तो दोबारा क्यों पॉपअप करोगे, ठीक है ना, दोबारा क्यों पॉपअप करोगे। तो इसीलिए हमने चेक किया कि अगर पेज की प्रॉपर्टी फॉल्स है यानी पेज पहली बार लोड हो रहा है तो उसको कॉल कर दो, और ऑलरेडी अगर लोडेड है तो फिर हम क्यों करें, क्योंकि जब जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करते हो तो ये पोस्ट बैक होता है। सपोज़ कर लो यूज़र ने दूसरी किसी बटन पर क्लिक कर दिया, फिर से पोस्ट बैक होगा, फिर से डेटा लोड होगा, तो अननेसेसरी क्यों लोड हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जब हो तभी लोड हो, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जो हमारा वेब पेज होता है ना वो किसी भी बटन के क्लिक पे पोस्ट बैक करता है। किसी भी बटन पे क्लिक करोगे तो देखो पेज रिफ्रेश होगा, तो जब पेज रिफ्रेश होगा तो पेज लोड इवेंट होगा, जब लोड होगा तो फिर से वो लोड कर देगा। तो अननेसेसरी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्यों लोड हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम हो तभी ये लोड हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इस पेज को रन कराता हूँ अभी, तो आप देखोगे कि हमारी जो डेटाबेस के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। कहाँ गया ये ग्रिड व्यू रेड ऑपरेशन, देखो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, जो ये अभी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारी मैंने हम लोगों ने कोडिंग के थ्रू लोड कराया है, ठीक है। ये एक तरह से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो बैकएंड में थी वो उसने उसको लोड करा दिया। लेकिन अगर ये पेज लोड इवेंट तुम नहीं लिखोगे और इसको दोबारा से क्लिक करके लोड कराओगे ना, तो यहाँ पे एरर शो करने लगेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पेज लोड इवेंट का लगाना ज़रूरी है, पेज लोड इवेंट पे कंडीशन चेक करना ज़रूरी है, पेज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो आपका आपके पास अभी आया है ये एक ऑटो जनरेटेड ही कोड है, जो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी आ गया। अब मैं इसको पूरा का पूरा इसको अगर मैं डेवलप करूँगा बनाऊँगा तो वो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा चेक कर लो, बताता हूँ मैं आपको। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा लोड हो गया, इसके अंदर में सारी चीज़ें आ गई। तो ये एक तरह से तुम्हारा ये ग्रिड व्यू है जो कि ऑटो जनरेटेड कोड को वहाँ से उठा के यहाँ पे फिल कर रहा है। ये तो हो गया, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वैसे बनाना चाहेंगे कि जैसे हम खुद से सारा का सारा ये जो रो आपका है, कॉलम है, वो खुद से बनाना चाहेंगे, खुद से अगर इसको आप डेवलप करना चाहोगे एज इट इज़ जो ये आपको दिख रहा है वो कैसे करोगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक्शन नाम से एक कॉलम आ जाए यहाँ पे, या यहाँ पे आप चाहते हो एक्शन के नाम से कॉलम आ जाए और यहाँ पे बटन्स हो जाएं एडिट और डिलीट के, जैसे मेरे पहले ग्रिड व्यू वाले में आया था। जैसे ये वाला ग्रिड व्यू है, अगर आप लास्ट वाली क्लास में देखोगे जो मैं अभी लोड कराता हूँ, gv.aspx था ना, .aspx, अगर आप इसको करते हो देखो इस पेज में क्या हो रहा था। इस पेज में इस तरह से बना हुआ है जो आपके पास में है, एडिट और डिलीट का बटन आ रहा है, एडिट पे आप क्लिक कर रहे हो तो ये वाला जो कॉलम है वो नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें टेक्स्ट बॉक्स आ गया। कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ सबसे नीचे वाले रो के अंदर में ना एक रो आ जाए जिसमें हम इंसर्ट करा पाएँ। तो इस तरह की जो डिज़ाइनिंग हो कैसे बनेगी, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे बनाएंगे हम इसको, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
जो ग्रिड व्यू हमारा है उसके अंदर में इस चीज को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने एक लोड डेटा के नाम से मेथड बना दिया, और इसको चाहो तो तुम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे इस कोड को, लेकिन ये जो लोड डेटा है ना, ये हर बार हमें कराना पड़ेगा। जब डेटा इंसर्ट होगा तब लोड कराएगा, जब डिलीट होगा तब लोड कराएगा, है ना, जब अपडेट होगा तो लोड कराएगा। मैं चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन बैकएंड में है, क्योंकि हो सकता है तुमने ऐड किया, तुमने एक ऐड किया, मैंने इधर इसी इन द मीन वाइल दो लोगों ने और ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास तो तीन रिकॉर्ड आना चाहिए ना। तो एवरी टाइम लोड डेटा विल बी लोडेड, इसीलिए हम लोगों ने एक अलग से मेथड बना लिया लोड डेटा को, जिसको मैं बार 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 कॉल कर सकता हूँ। उसको एक तो फंक्शन भी बोल सकते हो, फंक्शन या मेथड, है ना, ये रिपीटली कॉल हो सकता है, कहीं भी कॉल हो सकता है इस पूरी क्लास के अंदर में। अगर मैं इसको पब्लिक बना दूँ, स्टैटिक बना दूँ, तो ये कहीं भी और भी दूसरी जगह भी कॉल हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये मुझे डिज़ाइन करना है, ग्रिड व्यू को मुझे ये प्रॉपर डिज़ाइन करना है, लेआउट को डिज़ाइन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मेरा ग्रिड व्यू है, इसको मुझे डिज़ाइन करना है कि मैं चाहता हूँ कि पहले आईडी आ जाए जैसा था इसके अंदर में, फिर क्या था, आईडी के बाद नेम है, और नेम के बाद उसकी बेसिक सैलरी है ना, आईडी है, नेम और बेसिक, ऐसे बेसिक सैलरी तीन है, और एक चार मतलब मुझे बनाने हैं। जो ये ऑटो जनरेटेड कोड है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो कोने में तुम्हें स्मार्ट बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद जाओगे एडिट टेम्पलेट में, एडिट टेम्पलेट में जब जाओगे, सॉरी एडिट टेम्पलेट से पहले आप यहाँ पे जाओ एडिट कॉलम में, एडिट टेम्पलेट में बाद में जाना है, पहले जाना है एडिट कॉलम में। एडिट कॉलम में जब जाओगे तो इस तरह से आपका विजार्ड ओपन होगा, जिसमें नीचे ऑटो जनरेटेड फील्ड आ रहा है, इसको यहाँ से हटा दो। यानी जो फील्ड्स ऑटो जनरेटेड पहले आ रहा था मैंने उसको हटा दिया, मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो फ्रेशली बनाने जा रहा हूँ, अपने तरीके से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको हटा दिया, हटाने के बाद आप क्या करो, देखो यहाँ पे देखो अवेलेबल फील्ड्स दिख रहे हैं, जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स बटन्स वगैरह आपको जो मिलते थे टूल बॉक्स से आप उठा के रखते थे, उसी तरह से यहाँ पे ये बटन्स हैं। तो इसमें मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ेगी आइटम फील्ड की, डिजाइन कर लेंगे पेज पे कि हम मुझे ऐसा ग्रिड व्यू चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, सारे कॉलम्स वगैरह अपने हिसाब से ले लेना। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास में तीन कॉलम है, कौन कौन से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी, तीन है। और मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे बटन्स का भी आ जाए, एक्शन के नाम से या ऑपरेशन के नाम से एक कॉलम बटन का आ जाए, तो मेरे पास चार कॉलम हो गए। तो मुझे क्या करने हैं उसके रिस्पेक्ट पे, यहाँ पे चार जो हैं आपको बटन्स उठाने हैं, लेने हैं, तो आइटम फील्ड्स आपको चार लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आओगे, ऑटो जनरेटेड फील्ड को हटा दो पहले, उसके बाद तुम्हारे पास जो आइटम टेम्पलेट दिख रहा है ना, ये चार आइटम टेम्पलेट को तुम ऐड करोगे, वन फॉर एम्प्लॉय आईडी, सेकंड फॉर नेम, थर्ड फॉर बेसिक सैलरी एंड फोर्थ फॉर द एक्शन, जो एक्शन होगा वो।
यहाँ पे थे कि जो हम लोगों ने बटन्स ऐड करने थे हमने चार ऐड कर लिए, ठीक है। अब सपोज़ कर लो कि आपके पास में जो डिज़ाइनिंग होगी, सपोज उसमें 8 कॉलम हो या 5 कॉलम हो, तो आप उसके हिसाब से कॉलम को ऐड करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 कॉलम ऐड कर दिए और चारों के नाम अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, है ना। तो अगर हम चारों की नेमिंग करना चाहें कि हाँ भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉलम किसका है, तो देखो कॉलम पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो देखो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगी। ये वही वाली विंडो है जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे फॉर्म पे, वो यही वाला छोटे से विंडो में उन्होंने बना के आपको दिया है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हेडर टेक्स्ट आ रहा है, तो हेडर टेक्स्ट के अंदर मैं ऐड कर लिख लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैं कर लिख लेता हूँ, जिसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कौन सा कॉलम किसके लिए है। फिर सेकंड कॉलम पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, ये क्या था, ईएमपी नेम, ठीक है। और तीसरा वाला कॉलम था वो किसके लिए था, बेसिक सैलरी के लिए, तो मैंने सैलरी लिख दिया सीधा, ठीक है। और फोर्थ वाला जो कॉलम था उसमें वहाँ पे मेरे बटन्स होंगे, तो बटन के लिए ऑपरेशन लिख सकते हो, एक्शन लिख सकते हो। चलो मैंने एक्शन लिख लिया, एक्शन मतलब उस पर इंसर्ट का है, डिलीट का है, क्या है वो एक्शन के बटन का, आप कुछ भी रख सकते हो आप उस पर ना। तो देखो ये जो हम लोगों ने ये चार नेम चेंज कर दिया, उसके हिसाब से फील्ड के नेम चेंज हो गए। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फील्ड किसके लिए है, ठीक है, ये वाला किसके लिए, सबके लिए पता चल गया। तो अब यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ और मैंने ऑटो जनरेटेड भी हटा दिया। जैसे मैं ओके करूँगा देखो मेरे को इस तरह से मिल जाएगा, ऑटो जनरेटेड मैंने हटा दिया था तो वो सारा मुझे इस तरह से मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब सबको मेरे को फिट करना है। यहाँ पे जो ये आपको आप दिख रहा है, ये वाला कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, ये सारे कॉलम की इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग है। उसके लिए आपने चार क्या लिए हैं, आइटम फील्ड लिए हैं। तो चार आइटम फील्ड के चार अलग अलग नाम होंगे, चारों आइटम फील्ड की डिज़ाइनिंग आपको अपने अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो होगा, एम्प्लॉय आईडी के अंदर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले होगी, यानी कि ये सब लाइन से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। और सबसे नीचे मैं चाहता हूँ कि इसी आइटम फील्ड के नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाऊँ। और लास्ट वाले जो कॉलम है यहाँ पे मेरे बटन्स होने चाहिए। जैसे कि आप देखो कि अगर आपने प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें एडिट और डिलीट का बटन दिख रहा है इनिशियली, मतलब अगर आप एडिट पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपडेट और कैंसिल आ जाता है, और डिलीट पर क्लिक करते हो तो डिलीट हो जाता है। यानी कि फर्स्टली आपसे क्या आ रहा है, एडिट और डिलीट आ रहा है, यानी कि सब अगर मैं इस पेज को डिज़ाइन करूँगा तो सबसे पहला जो कॉलम इसके अंदर में आएगा वो क्या आएगा, एडिट और डिलीट का बटन आना चाहिए। और जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो डिलीट और सॉरी अपडेट और कैंसिल का बटन आना चाहिए, राइट। तो यहाँ आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो कॉलम है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे आप अगेन स्मार्ट बटन पे और यहाँ पे जाओगे एडिट टेम्पलेट पे। तो जैसे आप एडिट टेम्पलेट पे जाओगे, देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले आइटम दिख रहा है, इसमें आपको सारे आइटम वो दिख जाएंगे जो आपने वहाँ पे बनाए थे। इसमें सबसे पहला वाला आइटम सेलेक्ट कर लो जिसका नाम आपने क्या रखा था, एम्प्लॉय आईडी, जो जीरो इंडेक्स है। इसके साथ इतनी सारी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब ये क्या है, ये जो ग्रिड व्यू का जो पहला वाला कॉलम है उसके अंदर में जो आप ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे शो होगा, ये जीरो जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइटम टेम्पलेट। जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी शो हो रही है, ये वाली 0, 1, 2, ये इन्फॉर्मेशन जो शो हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम टेम्पलेट। अब इसमें आइटम टेम्पलेट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिखाओगे, क्या आप उसकी इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना चाहते हो या लेबल में, बताओ। ऑब्वियस लेबल में ही शो करोगे ना, टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे एडिट करना होता है वहाँ टेक्स्ट बॉक्स होता है। यानी कि फर्स्टली जब आपका ये पेज ग्रिड व्यू लोड होता है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन किस में आती है, लेबल में आती है। फिर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो जाके वो जिसको मुझे चेंज करना है वो टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, जिसको चेंज नहीं करना है वो लेबल में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर में ये आइटम टेम्पलेट के अंदर मुझे क्या रखना होगा, मुझे लेना होगा लेबल, और उस लेबल को उस डेटाबेस के उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ताकि जब वो रन करे तो वो लेबल की वैल्यू इस लेबल में, उस कॉलम की वैल्यू इस लेबल में लोड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे। एक लेबल हमने ले लिया यहाँ से। अब इस लेबल को मुझे बाइंड करना है किसके साथ में, उस कॉलम के साथ जो डेटाबेस में है। डेटाबेस में कॉलम का नाम हम चेक करेंगे क्या है, उसका नाम है ईएमपी आईडी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन इस लेबल के स्मार्ट बटन पे और यहाँ पे आएगा एडिट बाइंडिंग। एडिट बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग के लिए एडिट ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे टेक्स्ट को मैं बाइंड कर रहा हूँ, इसके टेक्स्ट को बाइंड कर रहा हूँ, विजिबल को नहीं कर रहा ना एम्बेड को कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट को बाइंड कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट को बाइंड करने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक कोड लिखना होगा, वो होता है ईवेल या बाइंड।
बाइंड लिख सकते हो या ईवैल लिखोगे। ईवैल लिखने के बाद यानी कि इवैल्यूएट वैल्यू, और ईवैल वैल्यू किसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो ईएमपी आईडी को कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ईएमपी आईडी और ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, ठीक है, आपने ब्रैकेट बंद कर दिया और फाइनली आप इसको ओके करोगे। देखो ये आपको ईवैल हो गया, ईवैल की जगह पर आप बाइंड भी लिख सकते हो, ठीक है, या ईवैल लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, आपका टेक्स्ट को बाइंड कर देगा उस डेटाबेस के उस कॉलम से जो आपके है। ये वाला कॉलम हो गया। अल्टरनेट आइटम टेम्पलेट में आपको कुछ भी नहीं लेना, उसके नीचे आ जाओ एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट मतलब वो वाला कॉलम है जब यूज़र उस पर एडिट पे क्लिक करेगा, जब यूज़र एडिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला जो रो कॉलम है, जो रो है मतलब जिसमें आप अभी अपने लेबल रखा है ऊपर वाले में जो दिखा रहा है, एडिट जब होगा तो एडिट होगा तो वो वाला सिनेरियो उसका चेंज हो जाएगा। जब उसका सिनेरियो चेंज होगा तो क्या आप इस कॉलम को एडिट करना चाहते हो या नहीं। अब जो कि ये वाला जो कॉलम है वो प्राइमरी की है तो मैं तो चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं इसको अगेन इसमें क्या लूँगा, लेबल लूँगा, अगेन मैं लेबल लूँगा। तो इसके अंदर भी जाके मैं वही सेम वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लेबल ले लिया और लेबल को जाके हमने बाइंड कर दिया यहाँ से ईवेल, और ब्रैकेट के अंदर में मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, अगेन सेम ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या था मेरा ईएमपी आईडी। ध्यान रखना कि ये जो कॉलम का नाम होगा वो एज इट इज़ वही होना चाहिए जो डेटाबेस में होगा। तो अगेन मैंने उसको ही बाइंड कर दिया, और बाइंड मैंने किसके साथ में कर दिया, लेबल में ही बाइंड कर दिया, यानी कि जब एडिट पे यूज़र क्लिक करे तो इस कॉलम को यूज़र चेंज ना कर सके। अगर इसमें अगर मैं चाहता हूँ चेंज करें, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जब ग्रिड व्यू हमने बनाया था और एडिट पे क्लिक किया था तो ये वाला जो कॉलम आया ये तो अभी लेबल है, लेकिन ये वाला जो कॉलम था वो क्या था, अगेन लेबल में ही आ गया था, लेकिन ये वाला जो कॉलम था वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया था। यानी कि जब हम लोग इस वाले सिनेरियो पे काम करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले पे काम करेंगे, तो इस वाले कॉलम में क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। गॉट माई पॉइंट। और यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ फिर हेडर टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हो। ऊपर जो हेडर जो दिखेगा उसमें, अभी तो हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी उसमें लिया था कॉलम में, यहाँ पे आप जो आप डालोगे हेडर टेक्स्ट में वही आपका शो करेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस तरह से ईएमपी स्पेस आईडी आ जाए, इस तरह से कैपिटल में आ गया। अब फूटर में क्या चाहते हो, क्या फूटर में इसको ऐड कराना है, या दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि आईडी हो सकती है आउट ऑफ की ऑटो जनरेटेड हो, या आप चाहते हो कि फूटर में हम खुद से डालें। तो अगर हम खुद से डालना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। ग्रिड व्यू कैसा कंट्रोल है, जो कि एक ही ग्रिड व्यू के अंदर मल्टीपल कंट्रोल्स आपके लोड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे लेबल वन भी आया, टू भी आया, और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन आया, तो उससे बड़ी मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी जब आप कोडिंग करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट किसका है नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये ऐड करना है ना मुझे, तो ऐड करने के लिए इसके लिए प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं इसके अंदर में। एक तो टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए txt कर लिया, और ये किसके लिए है, तो ऐड करने के लिए। तो हमने लिखा ऐड क्या, emp id, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स है और ये ऐड कर रहा है txt emp id को ऐड करने के लिए, तो इसका मैंने एक स्पेसिफिक नाम दे लिया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कॉलम, फिर फर्स्ट वाले कॉलम के लिए आपने भी करी है, सेम आपको सेकेंड वाले कॉलम के लिए करना है। फिर अगेन आप इस पर क्लिक करोगे, आप एडिट में जाओगे, सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, एम्प्लॉई नेम को। अब एम्प्लॉई नेम के अंदर में भी आपका जो पहले इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिकली दिख रहा है वो तो ये वाला दिख रहा है, तो इसके लिए तो लेबल ही लेना है आपको। तो अगेन इस पे जाओ और यहाँ जाने के बाद अगेन एक लेबल ले लो, यहाँ से आपने एक लेबल ले लिया। इस लेबल को अगेन आपको उस कॉलम के साथ बाइंड करना है, यानी टेक्स्ट में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है ईवैल, और ईवैल के साथ साथ में आपको डबल कोट्स में उसके कॉलम के नाम लिखने हैं ईएमपी नेम, जो कि आपके डेटाबेस में है। देखो ईएमपी अंडरस्कोर नेम है, सॉरी, तो अंडरस्कोर नेम है तो अंडरस्कोर ही लेना पड़ेगा, ईएमपी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ईवैल या बाइंड भी लिख सकते थे हम, ये हो गया। यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, एडिट कॉलम में आपको क्या करना है, एडिट में एडिटिंग होना चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा ना, लेबल तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेम एडिट हो सके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। और टेक्स्ट बॉक्स को क्या आप एडिट के टाइम पे बाइंड करना चाहते हो, नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि एडिट पर यूज़र अगर करना है इसका मतलब है कि वो चेंज करना चाहता है ना, एडिट का मतलब है कि वो चेंज करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं करना चाहता हूं। उसको बाइंड अगर करोगे तो प्रीवियस वाली वैल्यू आ जाएगी, पहले वाली जो वैल्यू थी डेटाबेस की वो आ जाएगी। अगर आप चाहते हो तो उसको बाइंड कर लो, अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको मत करो, राइट। जैसे कि हम लोगों में अभी देखा था, अभी लोगों ने ग्रिड व्यू यूज़ किया था, तो उसके अंदर में एडिट जब हम करते थे तो वो नहीं होता था,
ठीक है। तो अगर आप इस सेम ऐसा यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज चाहते हो कि प्रीवियस वाली वैल्यू आ जाए तो इसको भी बाइंड कर दोगे तो प्रीवियस वाली वैल्यू आपकी शो हो जाएगी यहाँ पे, अंडरस्टैंड। अब मैं इसका नाम दे असाइन कर देते हैं क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है तो ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसका नाम कर दिया txt ऐड करेगा इससे, सॉरी txt क्या कर रहा है, एडिट करेगा ना, एडिट किसको करेगा, नेम को, तो मैंने txt एडिट नेम कर दिया, यानी जो ये टेक्स्ट बॉक्स है वो एडिट नेम के लिए है। और यहाँ पे जो हेडर में जो ऊपर शो होगा वो मैं चाहता हूँ वो होगा एम्प्लॉय नेम, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फूटर के अंदर में क्या है, फूटर में क्या करना चाहता हूँ मैं, ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, तो टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। फिर उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया है उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया txt, ऐड कर रहा है किसको, नेम को, वो एडिट कर रहा था ये ऐड करेगा। तो इसका बहुत यूज़ है, जब हम कोडिंग करेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसका यूज़ क्या है। दो कॉलम हमारे हो गए, अब हम तीसरे कॉलम पे आते हैं, अगेन इस पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाले कॉलम पे आते हैं, सैलरी पे। सैलरी में भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आईडी है वो शो हो जाए, तो आईडी को शो कराने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, एक लेबल लेना होगा और लेबल को मुझे अगेन जाके बाइंड कराना होगा टेक्स्ट के साथ में, उसका नाम क्या था, ईवेल अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर सैलरी था शायद ना, EMP सैलरी, ब्रैकेट क्लोज किया, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ बेसिक सैलरी था, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी था, तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा। बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ध्यान रहे कॉलम का नाम वही लेना है जो कॉलम आपने डेटाबेस में लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया, ये बाइंड हो गया, यहाँ कुछ नहीं लेना। एडिट में मैं चाहता हूँ कि ये सैलरी भी एडिट हो सके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। कोई भी फील्ड आपको लगता है उसको मुझे अपडेट नहीं करना है तो वहाँ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट लगता है कि आपको नहीं लेना है तो वहाँ पे आप उसको लेबल में ले लेना। ये आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टी में जाके मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया txt एडिट क्या सैलरी, एडिट सैलरी, और हेडर में EMP सैलरी, ठीक है। और लास्ट वाला जो फूटर है उसमें भी आप सैलरी भी ऐड कराना चाहोगे तो यहाँ पे भी अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे असाइन कर देता हूँ इसके अंदर में txt क्या था ये, ऐड सैलरी, इसका नाम तो हम लोगों ने स्पेसिफाई कर ही दिया था, txt एडिट सैलरी कर दिया था। ये वाला भी कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया, फाइनली आते हैं इस पे और अब आते हैं लास्ट वाले पे, एक्शन वाले पे जो बटन था मेरा, ठीक है। अब ये जो बटन है, ये पहला जो आइटम टेम्पलेट आ रहा है, यहाँ पे मुझे दो बटन्स लेने होंगे, जैसे मैं देखो यहाँ पे दिख रहा है एडिट और डिलीट के, यानी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो बटन्स यहाँ पे आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो बटन्स यहाँ पे ऐड कर लिया, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए। बटन्स में बटन की प्रॉपर्टी जाके चेंज करनी पड़ेगी, बटन की आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया btn, किसके लिए, ऐड के लिए, ऐड लेना है, btn ऐड कर दिया तुमने इसका नाम। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी जाके मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक कमांड नेम आएगा, उस कमांड नेम के अंदर में भी आपको ऐड लिखना होगा क्योंकि हमें ऐड कराना चाहते हैं। ये पहला वाला बटन हो गया ऐड का, ऐड था और क्या था, नहीं सॉरी, पहला सबसे पहले एडिट और डिलीट था ना, तो एडिट करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं इसी हिसाब से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में एडिट रखना है, कमांड नेम में मैंने एडिट कर दिया और टेक्स्ट में भी मैंने एडिट कर दिया। ये फर्स्ट वाला बटन हो गया, देन सेकंड वाला बटन क्या था, डिलीट के लिए है, प्रॉपर्टीज़ में गए, btn
डिलीट, और आपने कमांड नेम में क्या कर दिया, डिलीट। और टेक्स्ट जो वहाँ दिखेगा वहाँ पे भी डिलीट हो जाए। इस वाले ऑप्शन में कुछ नहीं करना। अब जब यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे दो बटन आने चाहिए, कौन कौन से, अपडेट और कैंसिल। अपडेट और कैंसिल आना चाहिए, या तो यूज़र अपडेट करेगा या कैंसिल करेगा। जब यूज़र एडिट पे क्लिक कर रहा है तो एडिट टेम्पलेट में क्या आना चाहिए, अपडेट और कैंसिल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे दो बटन लेने होंगे, फर्स्ट वाला बटन लेना होगा। तभी मैं आपको कह रहा था कि ये जो ऐसा ये असाइनमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पर इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू डिपेंड करता है। अभी तो आप लोगों ने आप फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, अभी कोडिंग वाला पार्ट आपने नहीं देखा है। तो अगर आप ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब समझ लो कि आपके पास ASP.NET के अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हो तो आपके लिए जॉब रखी हुई है। ये अगर आपने करके उनको दिखा दिया, मशीन टेस्ट पे होता है जनरली ये, क्रड ऑपरेशन कराते हैं ग्रिड व्यू के अंदर में, अगर आपने ये परफॉर्म कर दिया तो वो कहेंगे ये लो अपॉइंटमेंट। क्योंकि मोस्टली आप जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखोगे तो इसी तरह का वर्क होता है। वो जो एडमिन पैनल का वो जो मेंटेन करते हैं ना, जहाँ पे ऐड का बटन हटा दिया तो वो अलग होता है, अदरवाइज वो सारा वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये आपके बटन्स को नेम को आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार बटन के नेम को चेंज कर देना जैसा आपको लगता है। तो ये आपके पास में देखो, यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ जो बटन आप अपेयर होगा वो किसका होगा, डिलीट और सॉरी अपडेट और कैंसिल का। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ BTN अपडेट, और कमांड नेम में मैं क्या पास कर रहा हूँ, अपडेट, और टेक्स्ट में भी पास कर रहा हूँ मैं अपडेट, और एक जो दूसरा बटन होगा वो होगा कैंसिल के लिए, BTN BTN कैंसिल, यानी कि यूज़र कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर लेगा। कमांड नेम में मैं पास कर रहा हूँ कैंसिल, और टेक्स्ट में मैं पास कर रहा हूँ कैंसिल। ठीक, ये हो गया। हेडर में आप जो भी देना चाहो, एक्शन ही लिखना चाहता हूँ, मैंने एक्शन कैपिटल में कर दिया एक्शन। एंड एक्शन के बाद फूटर के अंदर में क्या होगा, मैंने फूटर में सारे में क्या लिए, टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, मतलब उसके सामने कौन सा बटन आना चाहिए ऐड का, है ना। वो जब सारी इन्फॉर्मेशन डाल के ऐड पे क्लिक करें तो डेटा ऐड हो जाए, यानी फूटर में ऐड का करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से एक बटन मैंने ऐड कर ली, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ मैंने कर दिया BTN ऐड, और यहाँ से मैं कमांड नेम के अंदर में ऐड पास कर देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं ऐड पास कर देता हूँ। ये आपने कंप्लीट डिज़ाइनिंग कर ली, ओनली डिज़ाइनिंग करी है अभी आपने। यहाँ से आपको फाइनली क्या करना है, क्लिक करना है और एंड पे जाना है, एंड एड टेम्पलेट एडिटिंग। अभी एडिटिंग में था वो, उसको हमने एंड कर दिया। देखो इस तरह से कुछ ये दिख रहा है आपको, ये सारे बाइंड होके इस तरह से आपको दिख रहे हैं। जो अभी आपके पास आया वो आपने खुद से उसको डिज़ाइन किया, लेकिन अभी फूटर नहीं शो हो रहा है स्क्रीन में, ध्यान दो यहाँ पे फूटर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे शो फूटर का एक ऑप्शन आएगा। फूटर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है, तो ये को ट्रू कर देंगे। देखो तुम्हारे पास फूटर भी आ गया, इस तरह से तुमने डिज़ाइनिंग कर ली। उसे आप रन कराओगे तो जो तुम्हारा इनिशियली डेटा था वो तो लोड हो गई होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी वैल्यूज तुमने पेज लोड की के मेथड के थ्रू डेटा बाइंड कराया हुआ है। तो तुम्हारा जो अभी तुमने बनाया है वो तुम्हारा शो होगा, इंक्लूडिंग द फूटर यानी टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन तुमने इस टाइम जो डिज़ाइन किया वो तुमने खुद डिज़ाइन किया है, उस लेआउट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो होगा।
ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें आप सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, और इसका सेकंड पार्ट है जो वो उसकी कोडिंग है। देखो इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसमें सारे जो आपके एडिट पे यूज़र क्लिक करेगा तो एडिट का बटन आना चाहिए, तो एडिट का मेथड आना चाहिए, तो हमने कोई मेथड जनरेट ही नहीं करा है। इस तरह का हमें मेथड भी तो जनरेट करना पड़ेगा, तो मेथड हमें जनरेट करना पड़ेगा। जब यूज़र डिलीट पे क्लिक करे तो डिलीट का मेथड होना चाहिए, जब यूज़र ऐड पे क्लिक करेगा तो ऐड का मेथड होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, वो हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जैसे अभी एरर आ रहा है, इस एरर को फिक्स करने के लिए अगर हम यहाँ पे उसका इवेंट जनरेट करा सकते हैं, ठीक है, इवेंट को हम जनरेट करा सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर में वो पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, जो ऑटो फॉर्मेट का पैटर्न था ये वाला, ये आप यूज़ कर सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट आपको पैटर्न आता है, सी एस एस वगैरह होते हैं। अब देखो इसके अंदर में जो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ इवेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसमें एरर ना आए, तो उसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओगे, इसकी प्रॉपर्टी ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाना है। और यहाँ पे जब जाओगे तो आपको देखोगे ऊपर में, सॉरी ग्रिड व्यू नहीं सिलेक्टेड है, अभी ग्रिड व्यू सिलेक्टेड है, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको थंडर, तो थंडर है बेसिकली इवेंट है, इवेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको 5 इवेंट आपको जनरेट करने होंगे, ऐड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, एडिट के लिए। तो सबसे पहले जो इवेंट हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे क्या, रो कमांड, रो कमांड दिख रहा है आपको, यानी रो कमांड के लिए मैं इवेंट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो एक ग्रिड व्यू एक कंट्रोल है, उसी के अंदर में सारे बहुत सारे इवेंट जनरेट होंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, रो कमांड पर डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली देखोगे यहाँ पे ग्रिड व्यू का रो कमांड आ जाएगा। इस रो कमांड में हम लोग ऐड की कोडिंग करेंगे, इंसर्ट की कोडिंग करेंगे, ठीक है, ऐड मतलब इंसर्ट। फिर वापस आ जाओगे, वापस आने के बाद अगेन जाओगे प्रॉपर्टी में, उसके बाद आपको एक और लेना होगा रो डिलीटिंग के लिए, रो को डिलीट करने के लिए। इस पर जाओगे रो डिलीटिंग पर डबल क्लिक करोगे, रो डिलीटिंग का मेथड जनरेट हो जाएगा। फिर वापस आप ग्रिड व्यू पे आओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे अगेन, फिर आपको क्या करना होगा रो कैंसिल एडिटिंग के लिए, रो कैंसिल एडिटिंग, रो एडिटिंग हो गया, सॉरी रो कमांड हो गया मेरा, रो डिलीटिंग हो गया, रो एडिटिंग कर लो एक बार, रो एडिटिंग के लिए हो गया, रो एडिटिंग के बाद रो कैंसिल एडिटिंग होगा। अगर आपको यूज़र को रो को नहीं करना, सपोज कर लो डिलीट नहीं करना, तो उसमें क्या आएगा, रो कैंसिल एडिटिंग, रो को कैंसिल एडिटिंग कर लेगा। तो कितने एडिट हो गए, 1, 2, 3, 4, एक और आपको लेना होगा, वो कमांड हमने ले लिया था ना, एक और आपको लेना होगा रो कमांड, रो डिलीटेड, रो डिलीटिंग हो गया, अपडेटिंग, ये हो गया रो अपडेटिंग, अपडेट कराने के लिए ये 5 कमांड आपको जनरेट कराने हैं। तो इस कमांड पे अब हम कोडिंग करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। पहले इसको कम से कम 2 से 3 बार आप बिना देखे करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसमें एज सच कुछ ज़्यादा इसमें कोई कोड नहीं है, सिर्फ इसमें एक मैनिपुलेशन है कि आपको किस तरह से उसको कॉल करना है ना। अगर आपके डेटाबेस के अंदर जितने फील्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको कैसे बनाना है और कब क्या लेना है, किसके लिए क्या कौन सा फील्ड यूज़ करना है, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका सेकेंड पार्ट है जो कोड का होगा। देखो ये आपका इसके अंदर में फॉर्मेट भी आ गया, एडिट पे आप क्लिक कर रहे हो तो इस टाइम पे एरर जनरेट नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है। और देखो एडिट का वो खुल भी गया, क्योंकि जब एडिट पे आप क्लिक कर रहे हो तो देखो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स आपके टेक्स्ट बॉक्स में आ गए और ये आपका लेबल में है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, एडिट में जाके हम लोगों ने यहाँ पर लेबल ली थी और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया था, वो उसी वजह से यहाँ पर आ गया। कैंसिल आई सेल का अभी तो मैं कोड किया ही नहीं है कुछ, तो अभी इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपका जो पहले एरर आ रहा था वो नहीं आएगा क्योंकि आपने उसके इवेंट जनरेट कर दिए। गॉट इट? तो इतना करोगे आप।